मित्रों, कविता मंजरी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के प्रमुख छायावादी कवियों की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। इस क्रम में आइए सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की ग्राम्या से संकलित कविता संध्या के बाद। सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्र पर्ण पीपल से शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जिह्म विश्लत केंचुल सा लगता चितकबरा गंगा जल, धूप छाह के रंग की रेती अनिल ऊर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोड़ित पीला जल रजत जलद से बिंबित, सिकता सलिल समीर सदा से स्नेह पाश में बंधे समुज्ज्वल, अनिल पिघल कर सलिल सलिल ज्यों गति द्रव खो बन गया लवोपल, शंख घंट बजते मंदिर में लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीराजन, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, सोन खगों की पाति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर, लौटे खग गायें घर लौटी लौटे कृषक श्रांत श्लथ डगधर, छिपे गृहों में म्लान चराचर छाया भी हो गई अगोचर, लौट पैट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर, ऊंटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर, जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही निशिछाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग गृह तरु तट लहरी, बिरहा गाते गाड़ी वाले भूख भूख कर लड़ते कूकर, हुआ हुआ करते सियार देते विषण निशबेला को स्वर, माली की मणई से उठ नभ के नीचे नभसी धूमाली, मंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली, बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊंघ रही लंबी अंधियारी, धुआं अधिक देती है टिन की ढबरी कम करती उजियाला, मन से कढ़ अवसाद श्रांति आंखों के आगे बुनती जाला, छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने, कंप कंप उठते लौके संग कातर उर्क्रंदन मूक निराशा, क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यू गोपन मन को दे दी हो भाषा, लीन हो गई क्षण में बस्ती मिट्टी खपरे के घर आंगन, भूल गए लाला अपनी सुधी भूल गया सब ब्याज मूलधन,
सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही ही तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर। अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव औ असफल जीवन का उत्पीड़न। दैन्य दुख अपमान ग्लानी, चिर क्षुधित पिपासा मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता, कौड़ी की स्पर्धा में मरमर, फिर भी क्या कुटुंब पलता है। रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन, खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया घोर विवशता का निज कारण। शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करें जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसन तन, पशु पर फिर मानव की हो जाए। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का आश्रम जन में बंट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आध पाव आटा लेने लो लाला ने फिर डंडी मारी। चीख उठा घुघु डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। ग्राम्या का मूल स्वर ग्रामीण जनजीवन के विभिन्न सामाजिक पहलुओं से जुड़ता है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय गांव के वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है। संध्या का समय जब सूर्य पश्चिम में छिपता है और चारों ओर अंधियारा फैलने लगता है, ये एक ऐसा समय है जब संसार के लगभग सभी प्राणी अपने अपने घर लौटना चाहते हैं। ऐसे दृश्य खास तौर पर ग्रामीण अंचल में अवश्य दिखाई देते हैं, जिसमें किसान मजदूर पशु पक्षी आदि अंधेरा होने पर अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही हर दिन की एक नई शुरुआत होती है। शाम या संध्या के बाद का कोई एक ऐसा दिन जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, उसको नई कविता का रूप दीजिए।